नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको शरीर की स्ट्रेचिंग को खोलने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, जो लोग योग में बिगनर्स हैं और वह एडवांस अभ्यासों को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले इन स्ट्रेचिंग अभ्यासों को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दोस्तों, शरीर की स्ट्रेचिंग खुली होने से यानी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होने से हमारे शरीर में दर्द और जकड़न की समस्या नहीं होती है और हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बना रहता है। आइए देखते हैं कि शरीर की स्ट्रेचिंग को खोलने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, शरीर की स्ट्रेचिंग को खोलने के लिए सबसे पहले आप योगिक जॉगिंग के एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को मध्यम गति के साथ और फिर उसके बाद तीव्र गति के साथ 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार पूरा फैला लेते हैं, जितना आप फैला सकते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट हाथ के ऐसे लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ना है और ऊपर की तरफ देखना है। फिर सेंटर में आते हैं, इनहेल करते हुए ऐसे राइट साइड जाना है और ऊपर देखना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार दोनों साइड से प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। इसके बाद आपने अपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं, एक्सहेल करते हुए आते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। इसी स्थिति में ध्यान रहे, आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। इसके बाद हम इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने राइट कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट हथेली को लेफ्ट पैर के पास रखते हुए अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों साइड से प्रैक्टिस करेंगे। फिर से तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। पूर्ण शरीर की फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास होते हैं। फिर सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने एक पैर को ऐसे राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, हो जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं, कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों में ऐसे 2.5 से 3 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर आपने ऐसे राइट साइड बैठना है। फिर सेंटर में आते हैं, इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड बैठना है, कुछ देर होल्ड करके रखें। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही सभी अभ्यास को लेफ्ट राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही अपने एक पैर को राइट साइड और दूसरे पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से इसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। सेंटर में आ जाते हैं।
करेंगे गार्लैंड पोज को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, अपने पैरों में ऐसे एक से डेढ़ फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। और सबसे पहले आपने अपने पंजों के बल ऐसे खड़े होना है और अपने दोनों घुटनों को ऐसे ऐसे अपने दोनों हाथों को घुटनों की तरफ ऐसे रखते हुए अपने घुटनों को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसे सेंटर में लाते हैं। ऐसे ही अपने पैरों को ऐसे अंदर बाहर को करना है नीचे। अगर आपका शरीर भारी है और घुटनों में ज्यादा दर्द की समस्या है तो आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस ना करें। ऐसे ही आपने कागासन की पोजीशन पर बैठ जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे ही गार्लैंड पोज की पोजीशन पर रहें। यह अभ्यास हमारे घुटनों में दर्द की समस्या को दूर करता है और यह अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े भी सभी विकार दूर होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसके आप एडवांस पोज को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपने ऐसे ही कागासन की पोजीशन पर बैठकर अपने पंजों के बल ऐसे खड़े हो जाना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर रखते हुए ऐसे अप डाउन भी कर सकते हैं। ऐसे राइट साइड जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। या फिर प्रणाम मुद्रा बनाकर भी इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। फिर सेंटर में आ जाते हैं।